अल्लाह खैर भी आकर मेरा पूछे ना मैं घर पे हूँ, कहना मैं घर पे नहीं हूँ, कहना मैं मर गया हूँ, उनको ये कहना हमने परसों से दफना दिया हमने उसे। हुआ क्या है, कुछ पता तो चले? अरे सी सीरिया आईडी वाले कुछ ना सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं मुझसे? सौ मर्तबा बताए, सौ मर्तबा, हजार मिठास बिलो में है और बेला में किधर है? जरा भी गड़बड़ हुई ना फिर तू तो गई। से आज तक किसी औरत को मारा नहीं है मैंने। अगले तीन चार दिन लगातार रेड़ी भर भर के माल ले जाऊंगा, डिफेंस रोज एक अलग चौराहे पे गाड़ी उलटूंगा। वहां तो रहते भी सारे रईसजादे हैं, हर कोई 1,000 और 5,000 पे पकड़ा कर जाता जाएगा। एक एक दिन में तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख की दिहाड़ी मार के रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं आपका मेजबान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज पर ये खास मुकालमा। और आज का ये मुकालमा सबसे अहम मुकालमा है उस अदाकार के हवाले से है जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की शनाख्त तो है ही लेकिन वो पाकिस्तान का फख्र भी है पूरी दुनिया में। और अपने काम से उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, बगैर किसी ताखीर के आपसे उनको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं अदनान शाटी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली गुफ्तगू है जो आप कर रहे हैं और ये एजाज मुझ ना चीज को हासिल हुआ कि आपसे बात की। मेरे लिए भी ये एजाज है कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका बड़ापन है और आप जिस तरह मैं आपका काम देखता हुआ आ रहा हूँ, हर अगला काम पिछले काम से ज्यादा बेहतर और हैरान कर देने वाला है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस तवानाई का सरचश्मा क्या है ताकि ये दूसरे अदाकारों को भी इससे एक डेडिकेशन मिले। सर, अगर किसी भी काम को मेहनत, सबर, ईमानदारी, वो जो काम की हड्डी है ना, उसको ईमानदारी, सबर और मेहनत के चूल्हे पे चढ़ाए, क्या बात, तो इंशाल्लाह खाना जो है वो लजीज बनेगा और लोगों को भी मजा आएगा और उसकी महक महका देगी सारे माहौल। बस उसके साथ वो भी है, बाबा भुले शाह कहता है, सर के मांदी दा कम पानी लाना, हाय हाय, मशका पर पल लावे, हाय हाय, पालक दा कम फल लाना, फल फूल लाना, लावे या ना लावे, वो भी चक्कर है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी काम, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, काम किसी के बाप को भी नहीं आता, किसी साहब की ये लाइन है, काम किसी को भी नहीं आता, लेकिन ऑल वी कैन डू एक आपकी, मैं चुके आप फिल्म पर तो आऊंगा लेकिन एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा महसूस अब कर रहा हूँ, आपने दो मुहाज संभाले हुए अदाकारी में, एक तरफ आप हंसते खेलते जिंदगी के गाने गाते गीत गाते दिखाई देते हैं और लगता है कि असल अदाकार भी यही है और असल बंदा भी यही है जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन फिर उसी मंजर बदलता है और आप जो किरदार अदा कर रहे होते हैं उससे दुखी, उससे टेंस, उससे ज्यादा मिजरेबल कोई किरदार ही नहीं होता। तो ये दो इंतहाओं को तवाज़ुन में रखना स्क्रीन पर, ये कैसे आपने सीखा और किया? सर, सबसे पहले तो यही है कि आप अपने कार्य कहते हैं ना, काम करना इबादत है, अगर आप अपने काम को इबादत समझ के करेंगे ना तो यहाँ पे नाजिल होना शुरू होता है। क्या बात। और मैंने फिर आपसे ये कहा ना कि हमारा काम बड़ा मुश्किल काम है, मैं सबसे कहता हूँ कि वो लम्हा जो है उसमें तो सच बोलो, हम झूठ बोलते हैं, मैं ये तो नहीं हूँ, लेकिन जिस लम्हे मैं ये हूँ उस लम्हे में तो मैं रहूँ, उस वक्त मैं यही उस लम्हे में तो मैं यही रहूँ, उसके बाद मैं आप इतना गहराई से अपने किरदारों को अदा करते हैं तो किरदार में जाने की तो आपकी महारत है और हम जानते भी आपकी गुफ्तगू से कि आप किस किरदार के लिए क्या ट्रीटमेंट आपने किया, लेकिन किरदार से बाहर आने का प्रोसेस आपके पास क्या है? सर, मैं सेट पे देखा हो तो मैं अपने काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ,
हंसते हंसते रो पड़ता हूँ, मैं बहुत ज्यादा गाने गाता हूँ ताकि फिर मैं बहुत ज्यादा मुझे होता है क्योंकि मुझे लगता है कि आप तैयारी इम्तिहान से पहले करते हैं। कल अगर पेपर हो और आज आप समझे कि आज आप सारी फिजिक्स की किताब पढ़ लेंगे और सब सुबह बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जब मैं अपने घर में होता हूँ और क्या कहते हैं अपने साथ होता हूँ या अपनी छत पर होता हूँ बालकनी में बैठा हूँ, मैं उस वक्त ये किरदार निभा रहा होता हूँ, उसके साथ वक्त गुजार रहा होता हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे आप किसी इंसान को जानने की कोशिश करते हैं, आज आप मुझसे मिले, आज पहली मरतबा मिल रहे हैं इस तरह से, आज के बाद जब दूसरी मरतबा मिलेंगे तो आप मुझे किसी और हवाले से जान चुके होंगे। तो इसी तरह किरदार जो प्ले कर रहे होते हैं वो भी हकीकत है, अगर उसको आप हकीकत समझ के करेंगे तो वो हकीकत बन जाएगा। जैसे आप अपने हिसाब से एफर्ट ही नहीं करते, अब मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एफर्टिंग, किसी जब स्ट्रेस नहीं दे रहा, जोर नहीं लगा रहा। तो इसी तरह आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि भाई ये मैं किरदार कर नहीं जा सकता, मैंने कर लिया, आई विल सॉरी टू से प्रमोटिंग स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं अपने साथ देखूंगा, मैं क्या कहते हैं कुछ गाना गुनगुना लूंगा और मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, फिर जब आएगा फिर मैं इसमें चला जाऊंगा। लेकिन ये पहले पहले होता था मुझे, लेकिन कुछ ऐसे उस्ताद मिले उनमें हमेशा नाम लेता हूँ नुमान इजाज साहब का। अच्छा, मैंने ऑन एंड ऑफ करना, अच्छा उनकी उनकी नकल मारते हुए, सरकार आपकी नकल कह रहा हूँ हमें कहा जितना आ सकता है, लेकिन उनकी नकल मारता हूँ मैं हमेशा। जबरदस्त बात है। और सर एक और भी अदाकार है उनका नाम ही मैं लेना चाहूंगा, सलमान शाहिद साहब, वो इतने एफर्टलेस है। क्या बात, सुनील अहमद साहब, सलमान साहब, ये इनको देख देख के कोशिश है, हम तो जंगली पौधे हैं सर, हमने तो जो भी सीखा है आपको देख के सीखा है। अच्छा यार इनमें ये अच्छा है, शर्ट बड़ी अच्छी पहनते हैं, अच्छा यार इनके शूज की कलेक्शन बड़ी अच्छी है, अच्छा इनके बोलने का सलीका बड़ा अच्छा है, अच्छा इनमें ये मैडनेस बेच रहे हैं, डिसेंसी बेच रहे हैं, ये शरूटनेस बेच रहे हैं, कोई अब वो सब इनसे उस्तादों उस्तादों से अपने सीनियर से कुछ ना कुछ पकड़ा ही है। ये भी आपका मैं समझता हूँ ये एक आजजी है कि आप इतना काम करते हैं लेकिन आप याद रखते हैं कि आपने किस तरह इसको सीखा, किस तरह। सर मैंने तो इसके नाम तो जंगली बोलते हैं, मैं तो पता ही नहीं था अदाकार, तो हर बंदा मुझे लगता है कि हर बंदा आम जिंदगी में अदाकार। सही बात, लेकिन एक अदाकार होने में और एक आर्टिस्ट होने में बड़ा फर्क है। सही बात, क्योंकि अदा जो है वो कारी तब होगी ना जब कार, हम तो बहरूपी है, हम तो बहरूप बदलते हैं, लेकिन बहरूप ऐसा बदलना कि किसी को लगे ना कि आपने बहरूप बदला। हकीकत पर एक जो है ना वो मबनी चीज लगे। अच्छा, आपकी फिल्म पर आने से पहले एक सवाल आखिरी इस हवाले से ये पूछना है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आप गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। एक तो तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से शुक्रिया, जो जेस्चर आपने वहां दिया और जिस तरह उसकी गूंज पूरी दुनिया के मीडिया में गूंजी, तो आपकी अपनी जाती ये चीज किस तरह महसूस किया आपने इस बात? मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि पाकिस्तान का हर आर्टिस्ट इस तरह के फेस्टिवल्स में जाए, क्योंकि वो जो 2.5 मिनट की क्लैप होती है ना सर, उसको बढ़ावा वो मिलती नहीं, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि वो फनकार में वो तश्नगी रह जाती है उस हौसला अफजाई में। मेरा ख्याल है हम शायद कंजूसी से काम लेते हैं जैसे, लेकिन जब हम आम पब्लिक में मिलते हैं तो सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे, हॉलीवुड के डायरेक्टर्स आए हुए थे, इंडिया से बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए हुए थे, क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े लोग, एंड दे वर आपको एकदम वो जो एनर्जी मिलती है, कोई कंजूसी नहीं बरती उन्होंने तारीफ करने में सर, वो और हौसला अफजाई कर। मैं कहता हूँ हर आर्टिस्ट को जाना चाहिए एक बार एक्सपीरियंस करने से, ताकि अंदर से उसकी भूख खत्म हो जाए कि यार मेरी फिल्म चली तालियां नहीं बजी। मैं कहता भाई ना बजे, बजे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना बजे, तब भी मैं और मेहनत करूंगा ताकि मैं वो चीज ले सकूं। अब जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रवैये हमारी इंडस्ट्री को अपनाने की जरूरत है, उससे सांस मिलती है, उससे ऑक्सीजन मिलती है, उससे किसी के अंदर काम करने का जज्बा बढ़ सकता है। क्यों टीपो भाई, अभी हम जो बात कर रहे थे इसी से शुरू कर लेते हैं, क्या हम इंडस्ट्री बन चुके हैं? मेरे ख्याल में तो बन चुके हैं, बस रवैये बेहतर करने की जरूरत है। कैसे कैसे इसे क्या मतलब है यार, सबको पता है कि जो बांट होती है जो तकसीम है, मुझे लगता है वो और मुनसिफाना होने की जरूरत है। क्या कहते हैं आप पूरी दुनिया में देखें, आपको दुनिया अगर मैं को मुझे पहले तो पता था कि मैं यार टंबकटू गया था और वहां पे जो है ना कि कहते बर्फानी रीच होता है, ये होता है वो होता है, अब वो बात ऐसी नहीं है। अब आप बोलते हैं, आप कहते हैं टंबकटू में बर्फानी रीच पाया जाता है, कहते हाँ पाया जाता है। आपको पता है मोबाइल है पूरी दुनिया में किस तरह से काम हो रहा है, देख सकते हैं आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप अपने आप से खुद सच मोदी
सबको अपने आप से कुछ सच बोलने की जरूरत है। आप मोबाइल पे नहीं किसी को कह सकते कि मुझे क्या कहते हैं सुनो चंदा पसंद है, मुझे काबली पसंद है तो मैं देखूंगी। वहां पे मोबाइल पे हर बंदे की अपनी मर्जी है, वहां पे आपका मुकाबला पूरी दुनिया से है। अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कहानी, आपकी सब चीजों में जान है तो लोग देखेंगे। और अभी एक प्ले हिट हुआ है काबली पुलाव, दुनिया से उसकी बोझ आ रही है, बिल्कुल जा रही है। तो वेल, काम इस लेवल का होगा, अच्छा होगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं होगा आप लोगों से जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा समझ लें कि अब पूरी दुनिया ओपन हो गई आर्टिस्ट सर, एक अब आप सारे फैसले यही होंगे, फैसले यही। अच्छा, आप और जैसे काबली पुलाव आपका प्ले आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है, और कौन सा काम है जो अब आने वाला है? शनाज चल रहे हैं, वो भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। फिर और लाइफ पे मंचधार है, ठीक है, हम टीवी पर फरेम है, और मन टीवी पर दूसरा दरवाजा, जबरदस्त। और फिल्मों में कोई और मजीद काम सामने आने वाला है? मुझे भी ढाई साल भी आएगी, ठीक है, कुल्फी भी आएगी, और अभी वो भी आएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका काम हमने देखा भी है फिल्मों में, खास तौर पे मुझे जरा ज्यादा दिलचस्पी होती है तो मैं इसकी तख्सीस लेता होता हूँ। तो जो काम आप करना चाहते थे या आपको लगता है कि जो आप जिसकी प्यास आपको है वो काम कर लिया है, करना है ड्रामा या फिल्म जो भी आप मीडियम में, लगता है कि जिस जब मैं पूरी दुनिया में काम होता हूँ देखता हूँ जिस तरह काम होता है, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि उस तरह का काम पाकिस्तान में हो। मुझे लगता है मेरे बच्चों की फेवरेट फिल्म है, मैंने अपना चाइल्डहुड रीलिव किया थ्रू माय किड्स, वो एक फिल्म है एनिमेटेड फिल्म रैटाटुई, उसकी लाइन है कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। साहिब उनकी कहानी देखे, जब वो बना था तो जो चार मेन हीरोज थे, जो थ्री मूर्ति थी, वो कहाँ से गई थी? देवानंद साहब लाहौर, दिलीप कुमार साहब राज कपूर साहब पिशावर की सरदार, उनके अब्बा पृथ्वीराज कपूर साहब, कवि साहब लाहौर से, सुनील दास साहब लाला मूसा गुजरात। तो टैलेंट का इलाकों से कोई लेना देना नहीं है भाई, सही बात, ये सिर्फ हमने उसको अज्यूम कर दिया होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से बाहर काम होता है, अगर उस तरह से काम हमारे यहाँ भी हो, हम कहानी पे इन्वेस्टमेंट करें, कॉन्टेंट पे इन्वेस्ट करें, चीजों को जिस तरह काम होता है उस तरह से करें, तो आप यकीन मानिए कि और कुछ कुछ होना भी शुरू हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी मिट्टी भी बड़ी जरखेज है, इसमें कमी नहीं आपको मिलेगी, टैलेंट की ज्यादती ही मिलेगी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है गुफ्तगू करना आपसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना जिस तरह फिल्म में आप दोनों ने, सलीम भाई ने और आपने काम किया एक साथ, और बहुत सारे लोग जो है ना इस फिल्म को लेके बहुत ज्यादा क्रेजी और एक्साइटेड है कि ये वाली स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी कैसी रही होगी इस फिल्म में, क्योंकि ट्रेलर ने तजस्सुस को और बढ़ा दिया और आपका काम भी खासा डिफरेंट है। तो मैं चाहूंगा आपकी इजाजत हो तो सलीम भाई को भी बुलाया जाए। और बुलाया था ये फिल्म मुकम्मल कर रहा हूं, देखो ये दोन मोल रतन, एक है सलीम एक डीपर, क्या बात, वाह वाह वाह। तो नाज़रीन अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ हैं अदनान शाह टीपू और सलीम मिराज आ रहे हैं, और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से छोड़ते हैं।